नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मुस्लिम समुदाय ने एनसीआर और सीएए का किया विरोध, केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए नारे। सीएए एनसीआर एनपीआर विरोधी संघर्ष समिति महिला विंग द्वारा लंगर खाना गली से दरगाह निजाम गेट के बाहर सीएए एनपीआर के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। निजाम गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला विंग की सईदा तकसीम चिश्ती ने बताया कि केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये की आज बड़े कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं। आफरीन नास और सैयदा तबस्सुम चिश्ती ने बताया कि किसी भी सूरत में देश के संविधान को बचाने के लिए महिलाएं इस आंदोलन को जारी रखेगी। महिलाओं के अतिरिक्त संघर्ष समिति के आरिफ हुसैन, हाजी शकील अब्बासी, शाहनवाज बेग, मोहम्मद हुसैन, साहिल हुसैन, सैयद फुरकान चिश्ती, सैयद सलीम आदि लोग सम्मिलित थे और सभी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कानून है एक तरीके से जो ये मोदी और अमित शाह जी कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, और ये बहुत खतरनाक कानून है ये, और इससे किसी को फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। आज जो आपने विरोध प्रदर्शन किया निजाम गेट के बाहर, कब तक जारी रहेगा? अभी हम देखो, हम तो हमारा काम है कानून वापस ना ले, हम आगे भी ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारा तो ये है आज जितनी कम लेडीज आई इससे ज्यादा हम लेडीज लेके आएंगे और उनको भी यही बताएंगे, वो भी यही बोलेंगे कि हम इससे खुश नहीं है इस कानून से। और हकीकत बात है, कोई भी इस कानून से कुछ नहीं, कुछ हिंदू भी कानून से कुछ नहीं, कुछ सिख भी कानून से कुछ नहीं। आज जो शाहीनबाग में 5 लाख औरतें बैठी हैं, किस वजह से बैठी हैं? इसी वजह से ना, और वहाँ के वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ हैं। आपने देखा होगा वहाँ बीरबल भी लोग पढ़ रहे हैं, यकी भी हो रहा है, कुरान भी तिलावत भी करी जा रही है, क्यों हो रहा है? अब जब सब लोग एकजुट मिल के रहना चाहते हैं तो फिर लोगों को बहाने की क्या जरूरत है? इस तरीके से आप इनको सपोर्ट करना चाह रही हैं यहाँ से? हम इसको यही यहाँ से यही दुआ कर रहे हैं, यही खैर कर रहे हैं कि हम और हम जो एकता से यहाँ पर अजमेर में भी रह रहे थे, हम वैसे ही रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई हम सब मिलकर ही रहेंगे। और यहाँ पर कोई छोटा बड़ा हमें ऐसा नहीं समझते, यहाँ पर सब औरतें गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, सब किस्म की औरतें हमारे साथ। आपका नाम बताइए? साइलेंट बॉर्डर से। और नाम बताइए? मेरा नाम है तबस्सुम। सर, हम अलग अलग ब्लॉक से हैं, अजमेर ज़िले के अलग अलग ब्लॉक से हैं। आज राजस्थान के 33 ज़िलों में सभी जिलों पर, जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर महोदय के को ज्ञापन प्रेषित कर मुख्यमंत्री जी के नाम ये बताया जा रहा है कि हम पंचायत सहायकों की पीड़ा को अब समझे सरकार। आपने कहा था कि हमारी सरकार बनती है हम आपको नियमित करेंगे, लेकिन अभी तक हमारे ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। 6,000 मासिक मानदेय में हम अपनी जीविका का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हम बता नहीं सकते। हमारे कई साथी टूट चुके हैं, कई हिम्मत हार चुके हैं, कई आत्महत्या कर चुके हैं। अब तक 70 कर्मचारी जो पंचायत सहायक है, जो पूर्व में विद्यार्थी में तैरते हैं, वो मौत के घाट उतर चुके हैं आर्थिक तंगी के चलते, लेकिन ये सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। सरकार आती है, कमेटी बनाती है और कमेटी के नाम पर बस आगे आगे हमको बस इसी तरीके से हमको 5 साल पूरा करके और चली जाती है। पहले भी दिया था, इससे पहले भी हम दांडी यात्रा भी निकाली, हम दिल्ली भी गए, जयपुर भी गए, कई बार गए, लेकिन अभी तक हमारी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हो रही है। न 6,000 मासिक मानदेय और 6,000 ही रख रखा है हमारा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारा कम से कम न्यूनतम मानदेय 24,700 किया जाए। राजस्थान में हमारी संख्या 27,000 है, हमारे दर्द को समझे, हमारे पारिवारिक आवश्यकताओं को समझे, हमारे घर परिवार किस तरह से पालना है, सभी जरूरतों को सरकार समझे। हम सरकारी सेवा कर रहे हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे तक मात्र 200 रुपये में कार्य कर रहे हैं। ना कोई छुट्टी है, ना कुछ है, किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, ना कोई नियम है। हमारे में कोई मर भी जाता है तो सरकार की तरफ से 5 रुपये की राशि भी उसके पास नहीं पहुंचती। किससे मिलने आए, किसके नाम ज्ञापन दो? हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और बीडी गल्ला जी जो हमारी संविधान कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको उनके नाम हम एक ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद पहुंचे अजमेर, दरगाह भी पहुंचे जियारत करने।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने आज एक बार फिर कश्मीर में नजरबंद किए गए पूर्व मुख्यमंत्रियों का मामला उठाया और आरोप लगाया कि भाजपा कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। गुलाम नबी आजाद आज सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की जियारत के लिए अजमेर आए हुए हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश में पहला मौका है कि जब एक साथ तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को नजरबंदी के नाम पर बंधक बनाकर रखा गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि तीनों ही पूर्व मुख्यमंत्री किसी भी तरह के आरोप से घिरे हुए नहीं हैं। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के विखंडन पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से निकालकर एक बार फिर संयुक्त करना जरूरी है। आजाद ने खुले शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। दिल्ली चुनाव के सवाल पर गुलाम नबी आजाद ने बस इतना कहा कि वहां भाजपा सत्ता में नहीं आने वाली। कांग्रेस से जुड़े इस सवाल पर गुलाम नबी आजाद ने सीधे रूप में कांग्रेस की सफलता के बारे में कोई टिप्पणी करने से बचते दिखाई दिए। सर, एक तो सबसे पहले तो जो कश्मीर में दो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उन पर एनएस लगाकर उनकी जो नज़रबंदी है वो एक्सटेंड की है गवर्नमेंट ने। देखो, परसों ही हमने अपने भाषण में राज्यसभा में कहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि तीन मुख्यमंत्री और जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हों और कई हज़ारों और लोग हिस्ट्री में पहली दफ़ा बगैर किसी केस के, अभी 6 महीने से ज़्यादा, अभी 7वां महीना लगा है 3 दिन से पहले, कोई आज तक उन पर केस नहीं है जी। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं होता। और फिर फारूक साहब को तो पहले PSA लगाया था, अभी दो और भूतपूर्व चीफ मिनिस्टरों पर PSA लगाया। तो PSA तो कोई अगर कोई काम करेगा उस पर PSA लगेगा। और ये तो उन्होंने जेल में डाले 370 को ख़त्म करने से पहले ही 2 दिन जेल में डाले, तो उनको मालूम भी नहीं था उस वक्त। तो ये तो लोकतंत्र के ख़िलाफ़ है, लोकतंत्र की हत्या है। और जम्मू कश्मीर में तुरंत इन लीडरों को छोड़ देना चाहिए और जो UT है उसको ख़त्म करके दोबारा से स्टेट बनाना चाहिए। सर, कल दिल्ली में वोटिंग होनी है, आपको क्या लग रहा है जो कुछ दिल्ली ने पिछले कुछ महीनों में देखा है, खासतौर से अगर इतना तो कह सकता हूँ कि BJP नहीं आएगी दिल्ली में। सर, सबको करने तो रिकॉर्डिंग। जनाब, आज ज़ियारत करने आए, क्या खास तमन्ना है सरकार का, आज के बारे में पेश करें? तमन्नाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी तमन्ना है जो अपने लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ की तमन्ना है कि हमारे मुल्क में शांति हो जी, अमन हो और सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोहब्बत से रहें, प्रेम से रहें और सभी के दिलों में मोहब्बत हो। आमीन। नफरत सभी के दिलों से अल्लाह ताला दूर करे। आमीन। और जो आज नफरत का माहौल है मुल्क में, इस नफरत से अल्लाह ताला हम सबको निजात दे और एक दूसरे के करीब लाए शीर व शक्कर की तरह, यही हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और इसमें इस मुल्क से बेकारी बेरोज़गारी ख़त्म हो, इस मुल्क से महंगाई ख़त्म हो और खुशहाली हो, नौजवानों को रोज़गार मिले, अल्लाह ताला से यही दुआ है। कल NRC को लेकर लोकसभा में कहा गया, NRC लागू करेंगे, NRC वगैरह के लिए मैं इसमें एक शब्द में यही बताता हूँ, सियासी बात आज मैं कोई नहीं कहता हूँ, अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में अमन हो, शांति हो, नफरत से लोग निजात दे और सब हिंदू मुस्लिम प्यार से रहे, रोज़गार हो, महंगाई ख़त्म हो, लोगों को रोज़गार मिले, किसानों का अपने दाम मिले। डेरा जरामगंज स्थित फुटवेयर की दुकान में लगी भीषण आग, सकड़ी गली होने से हुई परेशानी, दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। रामगंज पुलिस चौकी के पास गुरुवार देर रात जूते चप्पल की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई, गनीमत रही कोई झनहानी सांसे में नहीं हुई। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकानदार को करीब 5 लाख के नुकसान का अनुमान है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रामगंज के करीब 10 फीट सकड़ी गली से सोनू फुटवेयर की शॉप में गोदाम में रात करीब 10:30 बजे अचानक आग लग गई। लोगों ने शोरूम में मिट्टी और पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सकड़ी गली होने की वजह से फायर ब्रिगेड के वाहन मौके तक नहीं पहुंच पाए। क्या सूचना मिली थी? कल रात को 10:30 बजे ब्यावर रोड रामगंज
पुलिस चौकी है, वहाँ पर पुलिस चौकी के पास में एक सोनू फुटवेयर की दुकान है, वहाँ पर जो है आग लग गई थी। तो लोगों ने वहाँ पर आसपास के लोगों ने अपने स्तर पर कोशिश करी थी बुझाने की, मगर नहीं बुझ सकी वो, क्योंकि तंग गली है। तो तला दी फायर ब्रिगेड को, वहाँ से गाड़ी भेजी हमने, एक गाड़ी तो उससे कंट्रोल में नहीं आई, फिर हमने दो गाड़ियाँ और भेजी तो उससे कंट्रोल कर ली। करीब 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है और कोई हताहत नहीं हुआ, मगर चूंकि गोदाम इसी जगह बना रखा है जहाँ तंग गली, तो गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच सकी आराम से, फिर भी हमने उसको कंट्रोल किया। सुबह भी गाड़ी, फिर वापस सुबह एक और गाड़ी भेजी। इस चीज़ का सेमिनार है, क्या है पूरा इसका मतलब? मैं रमन तिवारी, कन्वीनर सोफिया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर। 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है सोफिया गर्ल्स कॉलेज में, वाणिज्य और प्रबंध के क्षेत्र में है, जो 2030 के परिपेक्ष में रखा गया है। फ्यूचर के अंदर जितने भी चेंजेस और जितने भी नई प्रैक्टिसेस आने वाली हैं उसको डिस्कस किया जाएगा 2 दिन के सेमिनार के अंदर। इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में करीब 300 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया है, जो बाहर से भी हैं, कंट्री से भी हैं, स्टेट से भी हैं हमारे पास। और कीनोट स्पीकर्स हैं जो IIT से हैं, IIM से हैं, US से हैं, UK से हैं, एक सर हमारे पास पैनल सर US IIMA से हैं, कुछ आहूजा सर UK ACC से हैं, जो डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ को बिलोंग करते हैं। इस 2 दिन के सेमिनार के अंदर फ्यूचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो वाणिज्य और प्रबंध के क्षेत्र में आने वाली हैं, जितनी भी दिक्कतें बिज़नेस को होने वाली हैं, उनको सबको डिस्कस किया जाएगा, उनके समाधान को निकालने की कोशिश की जाएगी। इस सेमिनार के द्वारा हम ये भी जो PhD रिसर्च स्कॉलर हैं उनके लिए एक तरह से बैकग्राउंड है कि वो अपने फ्यूचर को कैसे अपने शेप कर सकते हैं, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इस 2 दिन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या है इस कार्यशाला? इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि बिज़नेस व्यवसाय के क्षेत्र में 2030, आज से हमने 10 साल का आगे का एक अनुमान लगाया है कि आगे के 10 साल में जो भी चेंजेस आने वाले हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा, डिजिटलाइजेशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, उस चेंजेस को ध्यान में रखते हुए उस चेंजेस से फ्यूचर के अंदर जॉब्स में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यशाला का आयोजन किया है। आपका परिचय? मैं रमन तिवारी, कन्वीनर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सोफिया गर्ल्स। नाम बाद में बताना। लाज जी हाँ, आज कौन सा दिन है प्रदर्शन का और क्या किया आज? हम सारे वरिष्ठ अध्यापक 2018 के बेरोजगार भाई यहाँ इकट्ठे हैं और पिछले 2-3 दिन से इकट्ठे, आज हमारा धरने का 3रा दिन है। कल हमने इस अंधी प्रशासन RPSC के जो कर्मचारी हैं उनको चेताने के लिए रोड पे झाड़ू लगाई है इनके खिलाफ, और आज हम इतने परेशान हो गए कि भीख मांगते हुए रोड पे आ गए। आज हम सब ने भीख मांग के इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर अब भी ये हमारा परिणाम जारी नहीं करते हैं तो हम सारे स्टूडेंट आमरण अनशन करेंगे, या तो हमारे प्राण रहेंगे या फिर हमको परिणाम मिलेगा। अब सरकार से इतने खिलाफ और इतने परेशान है गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा मंत्री है, प्रदेश कांग्रेस के वो हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड है, उनको ये पता नहीं है अंतिम परिणाम क्या होता है, प्रोविजनल क्या होता है। वो कहते हैं 10-20 दिन में ज्वाइनिंग देंगे, ये कहते हैं उनको 2 महीने हो गए, लेकिन उनको तो यही पता नहीं है कि इनका परिणाम आना भी बाकी है अभी अंतिम। परिणाम ही नहीं आया अभी तक, तो हमारा परिणाम भी नहीं आया है। RPSC में जाते हैं तो वहाँ स्पष्ट कोई जवाबदेही नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं ले रहा है कि हमारी भर्ती को कौन पूरा करेगा, कब रिजल्ट निकालेगा, ना कोई रीजन बताते हैं कि क्यों अटकी हुई है। सब यही कहते हैं कि इस महीने में आ जाएगा, अगले महीने में आ जाएगा। 2-3 महीने निकल गए, 29 जुलाई को प्रोविजनल रिजल्ट चालू
निकाला गया था हमारा, उसको लगभग आज 7 महीने हो गए। अगर एक भर्ती का 7 महीने में रिजल्ट नहीं निकल सकता तो इस आरपीएससी से क्या उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में कोई भर्ती भी करवा सकती है। अरे नहीं होता है तो यूपीएससी को दे दो, यूजीसी को दे दो, हमारा तो कोई एग्जाम करवा देगा। ये भी पैसा लेती है गवर्नमेंट से, वो भी लेगी, लेकिन इनसे कर्मचारी हैं वो छुट्टी पे हैं, कोई काम करना नहीं चाहता। सरकार है वो अपनी मस्ती में मस्त है, सरकार का खुद का अल्लाह पल्ला पता नहीं है। बेरोजगारों को कहती है कि हम बेरोजगारों के साथ हैं। अभी कांग्रेस सरकार ने यहाँ प्रदेश में जयपुर में रैली, युवा क्रॉस रैली की है, उस रैली में कह रहे हैं कि युवा हमारे साथ है। 10 लाख युवा बेरोजगार आए हैं, उन बेरोजगारों को उनको यही पता नहीं युवा तो हमारे खिलाफ है, रोडों पे भीख मांग रहे। आने वाला जो भविष्य बनाता है भारत का, जो अध्यापक, वो आज अध्यापक रोडों पे भीख मांग रहा है, इससे बुरी सरकार की क्या फजीती होगी। सरकार को इसके प्रति संज्ञान लेना चाहिए, इन बेरोजगारों को तुरंत राहत देनी चाहिए, हमारा रिजल्ट जारी करना चाहिए। मेरा नाम राजेश कुमार चौधरी है। आगे भी जारी नहीं करते, अगर अब भी रिजल्ट जारी नहीं करते हैं तो यहाँ आए हुए सारे बेरोजगार, अभी तो धरना प्रदर्शन हो रहा है, कल को आमरण अनशन भी होगा। और हो सकता है प्रदेश में जिस प्रकार किसान अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार परिणाम को लेकर परेशान होकर आत्महत्या भी कर सकते हैं, उसके जवाबदेही आरपीएससी और ये वर्तमान सरकार होगी। दरगाह में अतिक्रमण पर कार्रवाई के बाद हुआ विवाद, दुकानदार और प्रशासन में हुई झड़प, कुछ देर के लिए दुकानदारों ने बंद की अपनी प्रतिष्ठान। आज दरगाह बाजार में अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए निगम की गाड़ियां रवाना हुई। निगम ने जब कार्रवाई करना शुरू किया तो दुकानदार इसका विरोध करने लगे और दुकानदार और प्रशासन के बीच काफी देर तक झड़प चलती रही। दुकानदार कार्रवाई का विरोध करते रहे, मौके की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया, लेकिन कई दुकानदार नाराज दिखे और इसलिए उन्होंने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया। बाद में समझाइश के बाद सभी ने अपनी दुकानें खोली और मामला शांत हुआ। आज नगर निगम के सहयोग से अंदरकोट के मार्केट का अतिक्रमण हटाया गया, उसको ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था की जा रही है, पूरा प्रशासन मिलकर उसको और ज्यादा सुगम बनाने का प्रयास कर रहा है। सर, उर्स की व्यवस्थाओं को लेकर सिर्फ दरगाह बाजार या अंदरकोट ही है और भी क्षेत्र में? नहीं, पूरे शहर में इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि जायरीन जो है सभी तरफ से आएंगे, सभी एरियाज में से आएंगे, तो सभी जगह ये कार्रवाइयाँ की जा रही है। सर, आज अंदरकोट के लोगों ने किस तरह का विरोध, बंद कर दुकानें बंद करके किस तरह का विरोध किया? वो अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे थे, तो समझाइश की गई और उसके बाद अभी सब कुछ सुचारू। सर, कोई झड़प भी हुई है? सर, नहीं, किसी तरह की कोई झड़प। सर, बातचीत करके सर मामला सुलझा लिया गया? बातचीत की भी जरूरत नहीं पड़ी, सभी लोगों ने खुद ने आगे बढ़कर सहयोग करते हुए मार्केट को दोबारा खोला। मार्केट खुल चुका है सर, बिल्कुल चालू। अजमेर में गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन, अजमेर जिले के 4000 बच्चों को गार्गी पुरस्कार से किया गया सम्मानित, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में हुआ आयोजन। आज अजमेर में गार्गी पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में अजमेर जिले की 4000 बच्चों को गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं अजमेर शहर में भी 1075 विद्यार्थियों को गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ADR सचिव और कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता ने शिरकत की। शुरू करें जी, क्या कार्यक्रम है आज? अत्यंत हर्ष का विषय है कि अजमेर जिला अपना गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार आज 7 फरवरी को 2 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में सेलिब्रेट कर रहा है। बालिका पुरस्कार और गार्गी पुरस्कार जो है कक्षा 10 और कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दिया जाता है, और पूरे अजमेर जिले में लगभग 4000 से अधिक विद्यार्थी बालिकाएँ आज सम्मानित हो रही हैं, और अजमेर शहर के भी 1075 विद्यार्थी आज गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन मंच से लेंगे। हमारे कार्यक्रम में आज कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री महेंद्र सिंह जी रलावता ने की, मुख्य अतिथि मैम नसीम अख्तर और श्री हेमंत भाटी साहब रहे, और हमारे इस कार्यक्रम में ADJ सर ने भी उद्बोधन दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर बालिकाओं को और अधिक पढ़ाई करने और उच्च पदों पर पहुंचने के लिए उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की। बहुत हर्ष की बात है कि राज्य सरकार की गार्गी पुरस्कार योजना सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही विद्यालयों के लिए है, और अजमेर शहर के लगभग 93 विद्यालय जिसमें से 13 गवर्नमेंट स्कूल हैं, उसके अलावा सभी प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी हैं जिन्होंने गार्गी पुरस्कार आज प्राप्त किया। कितने बच्चे शामिल हुए हैं? 1000 से अधिक, 1075 के आसपास। होटल और गेस्ट हाउस में नहीं हुए फायर किट तो की जाएगी होटल को सीज, अग्निशमन केंद्र द्वारा कुछ होटल और गेस्ट हाउस को किया गया है चयनित।
जैसा कि लगातार देखने को मिल रहा है कि दरगाह बाजार की सकड़ी गलियों में आग लगने के हादसे हो रहे हैं और ऐसे में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार दरगाह बाजार व अन्य ऐसी सकड़ी गलियों में जहां पर होटल संचालित हैं वहां पर ये निर्देश दिए गए हैं कि उनको अपने होटल में फायर किट लगवाना अनिवार्य होगा। इस आदेश को निकले हुए 2 महीने हो चुके हैं, उसके बाद अग्निशमन केंद्र द्वारा लगातार होटलों का निरीक्षण किया गया, लेकिन उसके बाद अग्निशमन केंद्र द्वारा कुछ होटलों और गेस्ट हाउस को चयनित किया गया जिनमें फायर किट अभी तक नहीं लगे हुए हैं, जिनको जल्दी सीज किया जाएगा। आपको विदित है जी सर, जैसा कि आपको विदित है कि आगामी फरवरी जो चल रहा है फरवरी इसी में जो है उस महीने में उर्स शुरू होने वाला है और आपको पता है कि दरगाह क्षेत्र में 2-3 दफ़ा आग लग चुकी है जहां पर गाड़ी नहीं पहुंच सकी है और इसी संदर्भ में जो है ज़िला कलेक्टर महोदय ने और हमारे आयुक्त महोदय ने जो है वो सख्ती के साथ में होटलों और गेस्ट हाउस में जाँच करने के कहा था कि फायर सिस्टम वहाँ पर कितने डेवलप हैं कितने नहीं हैं। तो हम लगातार 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग अपने सिस्टम लगवा लें और नहीं लगाएंगे तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा एक स्पष्ट आदेश दिया गया है 21 तारीख को, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो सिस्टम नहीं लगाते हैं उनको सीज कर लिया जाए। हमने समझाइश करी है, नोटिस भी दे दिए हैं, इसके उपरांत भी अगर वो सिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे और अग्निशमन सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमने कुछ होटल और गेस्ट हाउस चिन्हित कर लिए हैं और हम उनको सीज करेंगे। लगभग कितनी होटलें ऐसी हैं जिसको आपने नोटिस दिया गया है? दरगाह बाजार की, गंज की, नरा बाजार की और शहर की जितनी होटलें हैं सबको तकरीबन हमने नोटिस जारी कर दी हैं, जिसकी तादाद भी मेरे पास पता नहीं, मैं आपको बताऊंगा देख के, मगर सबको हमने तकरीबन होटलों को जारी कर चुके हैं और उनको समझाइश भी करी व्यक्तिगत रूप से जाके मैंने खुद ने अपने स्तर पर, और फिर भी अगर नहीं लगाया जाएगा तो सख्ती से कार्रवाई करते हुए सीज करेंगे। हाँ सर बताएं, आज जनसुनवाई में विभिन्न मोहल्लों के और विभिन्न कॉलोनियों के कार्यकर्ता आ रहे हैं, जन भी आ रहा है और उसमें विशेष रूप से पंचायत समिति की जो कॉलोनियाँ बनी है वहाँ की सफाई की समस्या है, वहाँ की सड़कों की समस्या है और कुछ और जगह जिनमें सड़क के निर्माण का, सफाई का और ADA से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं और साथ में सरकारी तंत्र से जुड़ी विभिन्न भागों के कई मुद्दे हैं जिससे जनता बड़ी त्रस्त है और पिछले दिनों से अफसर काम नहीं कर रहे हैं, जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक मैंने भी कई बार कह कर के आग्रह किया है और सबसे बड़ी संकट की बात है जो विकास के काम में MLA को जो फंड मिलता था 2.25 करोड़ का वह भी इस बार पूरा साल बीतने जा रहा है अभी तक 50% अलॉट किया है और 50% से भी काम न हो उसमें भी कई प्रकार के अड़ंगे, कई प्रकार के नियम इस तरह लागू किए जा रहे हैं कि वहाँ से तहसीलदार उल्टे सुलटे रिमार्क लिख करके ADA और निगम के अधिकारियों को भेज रहा है जिसके कारण से वहाँ से भी मना आ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की सोची हुई चाल दिखती है कि MLA को बदनाम किया जाए, MLA काम नहीं कर सकें और जनता इनके प्रति आक्रोश का भाव देखे, जबकि आज तक वर्षों पुरानी कॉलोनियाँ बसी हुई हैं फिर भी कहते हैं वो खातेदारी में और 45 साल में 50 साल में इन्होंने उस ज़मीन का कहीं भी रूपांतरण नहीं किया, इसके दोष जनता क्यों भुगते। इस मुद्दों को भी मैं निश्चित रूप से विधानसभा में उठाऊँगा और जनता को राहत देने के लिए निश्चित रूप से मैं संघर्ष करूँगा। अजमेर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, 13,000 मामलों का हो सकता है निस्तारण, लगाई जाएगी 47 बेंच। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में कल अजमेर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। ADR सचिव वैर सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि इसको लेकर जिले भर में 47 बेंचें लगाई जाएगी जिस पर 13,000 मामलों का निस्तारण करवाया जाएगा, चाहे वे बैंक रिकवरी से या फिर फैमिली डिस्प्यूट से जुड़े हुए हों। कल लोक अदालत में क्या व्यवस्था रहेगी और कितनी बेंच लगेगी?
माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री अनूप सक्सेना साहब के निर्देशानुसार कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अजमेर में रखा गया है, जिसमें पूरे जिले में 47 बेंचें गठित की गई हैं एवं 9,349 मैटर केसेस जो राजीनामा योग्य हैं उनको डिस्पोजल के लिए रखा गया है, और 4,500 के लगभग प्री लिटिगेशन केसेस को भी रखा गया। ऐसे तकरीबन 13,800 केसेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें राजीनामा योग्य प्रकरण हैं, चाहे वो बैंक रिकवरी का हो, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले हों, NI एक्ट के हों, या क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हों, ईजमेंट के हों, या कोई फैमिली डिस्प्यूट्स हों, या कोई लेबर से रिलेटेड विवाद हो, पानी बिजली से रिलेटेड विवाद हों, ऐसे समस्त मामले जिनमें राजीनामा हो सकता है वो सब मामले कल राजीनामा के लिए हमने रखे हुए हैं, और पूरे उत्साह के साथ कल के राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी की जा रही है ताकि अधिक से अधिक मामलों को राजीनामा से निपटा सके। फैमिली कोर्ट में भी? जी, फैमिली कोर्ट में भी हर बार की भांति इस बार भी पूरी संभावना है कि कई जोड़े जो है पुनर्विवाह या जैसे रीयूनियन होकर के दोबारा मिलन होकर के और राजीनामा के माध्यम से मामलों का निस्तारण कराएंगे। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज, पूर्व में भी 38 मुकदमे हो चुके हैं दर्ज। आज कोर्ट से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला कोतवाली थाने पर पहुंचा, जहां पर थाना अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में भी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ 38 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालकों ने ग्राहकों को अधिक ब्याज का लालच देकर मूल की रकम वसूली और उन्हें पैसे नहीं लौटाए। मामला श्याम सुंदर मित्तल और निशा जैन द्वारा दर्ज करवाया गया, जिस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। जी हाँ सर। सर कौन सी बैंक है, किसने शिकायत की? ये आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित प्रकरण है जो कोर्ट के माध्यम से हमें प्राप्त हुए थे, जिनको कल हमने दर्ज किया है, और आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालकों के विरुद्ध ये दर्ज कराए गए हैं। इससे पूर्व भी करीब 38 मुकदमे और दर्ज हो चुके हैं। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालकों ने आम व्यक्तियों को, आम जनता को अधिक ब्याज का लालच देकर FDs करी हैं, और अब जो परिपक्व रकम है उसका इन्होंने गबन किया है, उस संबंध में ये प्रकरण दर्ज हुई। सर अभी कौन शिकायत करता हूँ? जी सर, करीब 20 लाख रुपए इन लोगों ने जमा कराए थे, जो इनके परिपक्व होने के पश्चात आदर्श कोऑपरेटिव और सोसाइटी वाला द्वारा इनको लौटाए नहीं गए। जी सर, ये प्रकरण श्याम सुंदर मित्तल व निशा जैन द्वारा दर्ज कराया गया। आगे तो इसमें तफ्तीश की जाएगी, इसमें दस्तावेज वगैरह जुटाकर इनके खिलाफ सक्षम न्यायालय में। कलेक्ट्रेट स्थित NIC सभागार में पुलिस अधिकारियों की आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पुलिस मुख्यालय द्वारा ली गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। शुक्रवार को आयोजित होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज NIC सभागार में आयोजित हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में IG संजीव नर्सरी सहित पुलिस कप्तान ने भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पुलिस मुख्यालय द्वारा ली गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अनुसंधान को कैसे मजबूती दे सके, CCTV को लेकर क्या क्या कर सकते हैं और आगे क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, उसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जी सर, आज वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित थी, किसके द्वारा आयोजित की गई और क्या दिशा निर्देश दिए गए? आज शुक्रवार है, शुक्रवार में लास्ट महीने के शुक्रवार में हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, उसमें बहुत सारे बातें होते हैं, जैसे कानून व्यवस्था का मामला आता है, पुलिस मुख्यालय के जो नया निर्देश आते हैं, सरकार के जो नया निर्देश आते हैं, इनको पुलिस मुख्यालय के अधिकारी, सभी जो फील्ड में अधिकारी बैठे हैं, SP DIG IG इनके साथ बात करते हैं। आज बेसिकली कानून व्यवस्था के बात हुई और अनुसंधान में जैसे हम प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात हुई, CCTV में हमारे प्रोग्राम है, इसको हम कैसे मतलब निस्तारण कर सकते हैं इनके बारे में डिटेल में बात हुई। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonin.com, सच के साथ।